हेलो एंड वेलकम बैक टू गुजराती ट्रेडर गेम शो बाजा मजामा। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की। पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा निफ्टी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक से यहाँ पे कंटिन्यूअस था और ब्रेकडाउन मिला था हमको लास्ट वीक में। फिर अभी यहाँ पे देखिए इस वीक ने अच्छा खासा रिट्रेस किया हुआ है। अगर यहाँ से ये यहाँ पे वापस ही ये रेंज तोड़ता है जो 17,760 रुपये का है, वो तोड़ता है तो हम लोग वापस से नीचे जाते हुए देख सकते हैं और 17,400 या 200 तक आ सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, नियर रेजिस्टेंस है 18,260 रुपये, यहाँ पे टू लगाना भूलिए हम, 18,260 रुपये है। 18,260 से लेकर 18,215 तक यहाँ पे रेजिस्टेंस है निफ्टी को, और उसके बाद ये पार होता है तो हम लोग आने वाले टाइम पे रेजिस्टेंस होगा 18,890 के आसपास। तो ये निफ्टी का आने वाले टाइम पर मेरे को लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। पहले तो पहला अपना स्टॉक फॉर द वीक है जीपी शिपिंग। तो ये है, हम लोग देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे ये पहले ब्रेकआउट कर चुका था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था समथिंग अबाउट 625 से लेकर 571 तक। फिर यहाँ पे यही सेम पैटर्न में घूम रहा था, बट यहाँ पे 3 महीने पहले यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, बट मार्केट डाउन होने के द्वारा रिटेस्ट कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो यहाँ से अच्छा खासा देखिए रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, लेवल्स तोड़ नहीं रहा है अपने। तो ये अच्छी साइन है, आप लोग बाय कर सकते हो इसी लेवल के आसपास, और स्टॉप लॉस आप लोग लगा सकते हो 550 का। ये वाला जो लेवल जो है वो स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप लोग, और हम लोग रेंज कैलकुलेशन की मदद से हम लोग रेंज निकालते हैं तो अपना टारगेट मिलता है, टारगेट हम ब्रेकआउट के बाद लगाते हैं तो अपना टारगेट बनना है समथिंग अबाउट 1100 रुपये के आसपास, जो हुआ अपना कितने परसेंटेज हुआ अपना 6% होगा गाइस, समथिंग अबाउट 70 to 80% के आसपास। तो ये अच्छा दिख रहा हुआ है, अच्छा दिख रहा है मेरे को बाय करने का। 14 ईयर्स या 15 ईयर्स का ब्रेकआउट है, 2007 में हुआ था और अभी 2023 13 ईयर्स का ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये लोग आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है STC, जो मैंने आपको दिखाया है ज़्यादा तकनीक में, तो इसका भी तो सेम है एनालिसिस। यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 321 के आसपास और टारगेट होगा 600 रुपये के आसपास। और तीसरा है अपना TWL वैगन, जो ऑटो एक्सेलरी से आता है, इसमें भी सेम था अगर वैगन हुआ था ब्रेकआउट हुआ था समय अबाउट 2009 का ब्रेकआउट आया था लास्ट 2 मंथ्स पहले, बट यहाँ पे रिटेस्ट करने आ रहा है, तो आप लोग करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस आप लोग दे सकते हो 160 के आसपास का। तो ये भी अच्छी बेट बन रहा है अभी। और उसके बाद भी है सेम जुपिटर वैगन्स, जो है इसने ब्रेकआउट किया हुआ है इस लेवल के आसपास, लास्ट मंथ इसने ब्रेकआउट किया और अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी बनाई थी, बट यहाँ पे अभी रिटेस्ट करने आ रहा है। अगर ये लेवल्स तोड़ता है हम लोग स्टॉप लॉस 100 का रखेंगे, 100 या 99 का, और टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा 141, उसके बाद अपना होगा टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग और ब्रेकआउट हम लोग देख सकते हैं। मिनिमम हम लोग लगाते हैं तो 40-50% के आसपास अपना बेट बन रहा है, अगर हम लोग बाय करते हैं तो 60% बनेगा, 280 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। तो आप लोग ध्यान दे सकते हो, ये सारे स्टॉक्स हैं आप लोग एक बार देख सकते हो, GECP, ITC, TWL, JWL। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अदानी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए तो कमेंट करो, और अपना यूट्यूब चैनल है उसमें रोज डेली सुबह शॉर्ट्स आ जाते हैं निफ्टी के बारे में क्या लग रहा है, और ट्रेड्स भी मैं देता हूँ निफ्टी में। कल दिया था, कल कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था निफ्टी फ्यूचर में, हम लोग देते हैं, कल हमने दिया था शॉर्ट करने को और बाय करने को दोनों दिया था, वो हो चुका था। देखिए परफेक्टली अपना टारगेट लेके गया है, और इधर से बाय करने को बोला था यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से, तो इधर भी हम लोग को 150 पॉइंट की रैली देखने को मिली। तो ऐसे ही स्टॉक फॉर द वीक के लिए और इंट्राडे के लिए मेरे को फॉलो कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।